तहरीक-ए-इंसाफ इस वक्त 70% अवाम की सपोर्ट है। मैं आपको स्पीकर साहब वसूख के साथ कहता हूं, यह 70% पाकिस्तान वो कैदी 804 के इशारे पे उठता है। याद रखो उस दिन से डरो जो वो हंगर स्ट्राइक पे गया, और अगर उसने इशारा किया कि सड़कों पे आ जाओ तो बांग्लादेश को भूल जाओगे। पर वही है और हम यही चाहते हैं कि माजी को भूल जाओ, पाकिस्तान को रवंडा नहीं बनाना, पाकिस्तान को नहीं रवंडा हमने बनाना, पाकिस्तान को बेहतर करना है। खुदा के लिए ये ईवान में बैठ करके ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये आईन के ओज जब उठाते हैं तो हम कहते हैं कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट को हम सेक्रीफाइस करेंगे कौम की। ये पावर इख्तदार आने जानी चीज है, ये कौम की अमानत है। पावर आए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को जेर करें, कभी ये कोशिश ना करें कि उनमें से कौन जीतता कौन हारता है। हमारे हार और जीत में ये पार्लियामेंट हार जाएगा, हम उधर के उधर रह जाएंगे।